हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अभी अपना ही ब्लॉग देख रहा था मैं, अपने आप से मोटिवेट होके यार निकलता हूँ, इसलिए मैं अपना सुबह सुबह देखता हूँ, रात को एडिट करने के बाद सुबह डाल देता हूँ, सुबह देखता हूँ, फिर उसके बाद मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है। अभी बस मैं स्टार्ट ही करता हूँ ब्लॉग। तो बस अभी हम निकल रहे हैं होटल से, कुछ काम है, आज एक दो गाड़ी भी देखनी है, जो भी पसंद आएगी उसको फाइनल करना है यार, क्योंकि दिन ज़्यादा बीत रहे हैं ना जल्दी से जल्दी, तो उसको बस फाइनल करना है ताकि हमें इजी हो जाए कहीं भी जाने के लिए। यार कहीं जाना होता है, सपोज करो अबू धाबी जाना है कहीं जाना, तो इजी हो जाएगा, टैक्सी में वो सही नहीं रहेगा, इसलिए हमें गाड़ी चाहिए। तो चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। खाना वगैरह हो गया, भगवद गीता रीड कर ली है मैंने, अभी सिम लेने के लिए रुके थे, नंबर यहाँ का ले लिया है, एतिलात है कुछ, एतिसलात का नंबर ले लिया है, अब आगे जा रहे हैं। चल गया, स्टार्ट हो गया नंबर, अभी हमने नंबर ले लिया है। नंबर बहुत जरूरी था यार, क्योंकि इंडिया में बात करनी होती है, मेरे पास जो इंडिया का नंबर था उसमें नेट बहुत कम था, अब नेट की कोई दिक्कत नहीं है। प्लान क्या, काफ़ी थे प्लान, 200 दिरहम में बहुत अच्छा प्लान मिल गया, तो ठीक है अब जब तक हूँ मैं यहाँ पे बढ़िया चल जाएगा नेट। अभी हम पहुंचे हैं गाड़ी देखने के लिए, नंबर ले लिया है यार, बढ़िया नंबर मिल गया और अब इंडिया में आराम से बात हो सकती है, अच्छा खासा नेट मिला 200 दिरहम में, बढ़िया हो गया। अभी एक कार देखने के लिए आए हैं, अभी तक टैक्सी में ही घूम रहे हैं। नंबर लेने में यार मुश्किल से 5 मिनट लगे, 5 मिनट भी नहीं लगे, यहाँ पे बस दिया पासपोर्ट नंबर रेडी, चलो अंदर चलते हैं। रेंटल कार के लिए आए थे पता करने के लिए, पता लगा यहाँ पे ऑलरेडी बुक्ड है इस पूरे वीक के लिए, ना आज मिलेगी ना कल मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती है, 5-6 दिन के बाद ही मिलेगी गाड़ी भाई। अब तो यार हालत ऐसी रखी, कोई भी मिल जाए गाड़ी ले लेंगे, अब एक और जगह पे जाते हैं, धक्के खा के मिलेगी गाड़ी ना कोई ना कोई, तो चल देखते हैं। एक इन्हीं से पूछा है, एक और जगह वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पता करते हैं, क्योंकि यार टैक्सी में इधर से इधर आना, उधर से उधर जाना, वो दिक्कत हो जाती है, फिर एक बार में घूम लेंगे सारा, है ना। अभी एक जगह पे आए हैं, देखो यहाँ पे मिलती है कार, नहीं मिलती क्या, तो यहाँ वेट कर लो, ये लगा ही लेता हूँ यार, है ना दिक्कत हो जाती है बहुत लगना, होप्स हो यहाँ पे मिल जाए, मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए। मैं मैम से बात की है, वो कह रहे कि है अभी बट 1-2 घंटे लगेंगे, पहले बोल रहे थे कल हो जाएगी, मैंने नहीं नहीं आज ही अभी इसी वक्त चाहिए। फिर किया की एक और दिखा रहे हैं, किया की कार, किया K5, लास्ट टाइम भी वही ली थी ब्लैक कलर की, लेकिन अभी व्हाइट कलर की देख के आए, बहुत अच्छी है, बाकी कंडीशन देखते हैं कैसी है, फिर लेते हैं भाई। इधर से सब कुछ फाइनल हो गया था, बस एक चीज़ के पीछे गरारी अड़ गई, चल के बताता हूँ मैं आपको। अभी निकलते हैं यहाँ से, आज के दिन में हमने 4 टैक्सी चेंज कर लिया और ये 5th टैक्सी होगी हमारी, 4th होगी 5th होगी, ये 4th 5th टैक्सी है ना, 5th टैक्सी होगी, और इतने में तो गाड़ी मिल जाती है यार, तो भाई इसीलिए बस दिक्कत है थोड़ी सी। चलो चलते हैं अभी, आज सिर्फ सिम लिया बस, यही हुआ काम और कुछ नहीं हुआ। सूरज भी जा रहा है, हम भी चलते हैं, टैक्सी की वेट कर रहे हैं और मैं उतार देता हूँ शर्ट, क्योंकि अब चली गई है धूप, मैं धूप के लिए पहनता हूँ यार शर्ट, बढ़ गई ना यार, एक्चुअली स्टार्टिंग में पहनता था और आदत ही बढ़ गई शर्ट पहनने की। अभी हम मेन टाउन से काफ़ी दूरी पे हैं, मैं तो यार सो गया था गाड़ी में, टैक्सी में मतलब जो ऊबर करवाई थी, अभी उतरे हैं, भूख लग रही थी तो हमने कहा कि ये आ गया हम विघ्नेशा पे, पुरानी यादें होगी ताज़ा हमारी, हम पहले भी जब पहले आते थे ना तभी यहीं पे आते थे, प्योर वेजिटेरियन है रेस्टोरेंट ये वाला, बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। तो भाई चलो अच्छा लगा, अरे सारे रास्ते सोता हुआ आया हूँ, तो आज भी भाई गाड़ी नहीं मिल पाई है, लेकिन आज एक दो जगह बात की है, होप सो कल तक फाइनल एक गाड़ी आ जाएगी, थोड़े यार धक्के खाने पड़ते हैं, तो चलो चलते हैं कुछ खा लेते हैं पहले। भाई आज तो खा लिया, लेकिन लास्ट टाइम जब आए थे ना भाई पूरा फुल पड़ा था, वेटिंग चलती है यहाँ पे वेटिंग। ये रेस्टोरेंट ऐसा है, यहाँ पे 90% चीज़ें ना विदाउट एनी गार्लिक मिल जाएंगी, इवन जैन फूड भी मिल जाएगा, आलू गाजर नहीं खानी है अगर तो। मैंने कहा नहीं भाई सिर्फ अनियन गार्लिक नहीं, बाकी आन दे।
विदाउट अनियन गार्लिक। पहुंच गए हैं होटल। अब तक ये सिक्स्थ टैक्सी चेंज किया हमने, तो समझ लो भाई घूमना जाना आना छह टैक्सियां चेंज की, तो उस हिसाब से गाड़ी बेटर है। ये सिक्स्थ टैक्सी थी हमारी, ये वाली। तो चलो चलते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ आज एक्चुअली हुआ क्या। हम आ गए हैं घर। अभी मैं घर पे आके बस बैठा ही था, पानी वगैरह पिया, तो मैंने कहा चलो आपसे पहले बात ही कर लेता हूँ। आज भाई ऐसा हुआ, हम पूरे दिन में आज एक ही अच्छा काम हुआ कि हमें सिम मिल गया, तो ये अच्छा काम ही हुआ, सिम मिल गया। और दूसरी बात, हमने आज 6 बार टैक्सी चेंज की है, मतलब जहाँ भी जाना था टैक्सी में जाते थे तो 6 बार टैक्सी चेंज की है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि गाड़ी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे लिए नहीं, कोई भी हो, गाड़ी ज़रूरी है यार यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि हर चीज़ पास नहीं है, दूर दूर है। और यार हम गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे, हमें पसंद आ गई थी K5 किया की है, बहुत प्यारी गाड़ी है। लास्ट टाइम भी मैंने वही ली थी, ब्लैक कलर की, हमने वही पचे मतलब वही ले रखी थी 2-3 दिन के लिए जब जितना भी हम रुके थे। तो आज भी पसंद आ गई थी, सब कुछ हो गया था, पेमेंट वगैरह ऑप्शन, इंटरनेशनल लाइसेंस वगैरह दे दिया था, पासपोर्ट दे दिया था, सब कुछ फाइनलाइज हो गया। बट गरारी एक चीज़ पे आके अटक गई। उन्होंने बोला एक ना, उन्होंने आईपैड पे ना, उन्होंने अपने एक पैड पे ना डॉक्यूमेंटेशंस करवाई। हमने कहा ठीक है कर देंगे, लेकिन उसके बाद ना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स थी, कह रहे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम, बाकायदा पेपर में से निकालेंगे हम, और उसके बाद आपको साइन करना होगा ये। हमने कहा ये हम डिटेल नहीं दे सकते, ये है यार ऐसे कैसे दे देंगे अपनी डिटेल क्रेडिट कार्ड की। बाई चांस उनसे मिसप्लेस हो गया कहीं, यार हमारा तो सिबिल स्कोर खराब हो गया ना, और भी यार बहुत मिसयूज हो जाता है, तो इस वजह से आज वो गाड़ी रह गई। तो उस जो मैम थी वहाँ पे, उन्होंने बताया कि यही रीज़न है काफ़ी कस्टमर ना हमसे चले जाते हैं कि लेते नहीं है फिर यहाँ से गाड़ी। चलो हमारी भी गलती रहेगी, हम वहाँ पे गए और 2-3 जगह पूछा, वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि अभी ये टाइम चल रहा है, सीज़न आने वाला है, स्टार्ट ही हो गया सीज़न, तो इसलिए यार लोग आ रहे हैं दुबई एक्सप्लोर करने के लिए, तो गाड़ियाँ और फ्लैट्स वगैरह बहुत मिल नहीं रहे हैं, बहुत महंगाई में मिल रहे हैं। अगर कोई 2-2.5 लाख का फ्लैट है ना, तो वो भाई 5-5 लाख में मिल रहा है, तो इसलिए अभी भरा हुआ है दुबई, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है हमें। अब कल शायद होप्स हो फाइनल मिल जाए। तो चलो मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे करता हूँ यार, आज तो सारा दिन ऐसे ही हैक्टिक में रहा है। एक ही अच्छा काम हुआ है, सिम मिल गया और खाना पेट पूजा वगैरह हो गई है। मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे करता हूँ। लाइक करना, शेयर करना मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण। मैं दूध देने जा रहा हूँ, आपको याद है लास्ट ब्लॉग में देखा होगा मैं दूध लेके आया था, वो 2 लीटर वाला, यार वो ना टेस्टी नहीं है, मैंने पिया तो ऐसा लग रहा है कि मैं वॉमिटिंग कर दूंगा पीते। एक दूध ट्राई किया हमने, वो जो 2 लीटर की बोतल लेके आए थे, उसके अलावा हमने कोई दूध ट्राई नहीं किया। अब दूसरा दूध ट्राई करेंगे, हैं अलमराई मराई। ये दूध ले आए, 6.5 दिरहम का दूध आया, अमूल का मिल गया, अमूल का, ये गुड्डी वही है ना अमूल वाली, अरे दूसरी तरफ से दिखा, अमूल का मिल गया, अमूल का ये ला, तो अमूल का पियेंगे वो दूध भाई, देखते हैं कैसे पता लग जाएगा कैसे भाई, दूध ही दूध रखे हुए थे, समझ नहीं आ रहा क्या पिए, तब देखा भाई अमूल भाई, चक्को फटाफट चक्को चक्को।